जस्ट अभी अभी मैं अभिषेक करके आया हूँ अंदर से, भाई शिवलिंग को जस्ट टच करके आया हूँ। तुम कर पाओगे ट्रैक? गाइस लुक एट दिस गाय, इनको आप देख सकते हो, इनकी शक्ल बता रही है हमारे भाई की। पता नहीं ये सोच के तो ऐसा आए थे कि पूरा ट्रैक ही पार कर देंगे एक बार में, सबको छोड़ देंगे। अब देख के लग रहा है, अब देख के तो ऐसा लग रहा है आखिरी में यही आने वाला है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया ट्रैक, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये जब उन्होंने ट्रैक नहीं देखा ये हाल है, जब देख लेंगे क्या होगा। हेलीकॉप्टर का क्या रेट? हेलीकॉप्टर भैया देखो आपके लिए सजेशन है, हेलीकॉप्टर देखो है नहीं, वहाँ घोड़ा है चलेगा। घोड़ा मेरे को झेल नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, हम दो घोड़े लगवा देंगे, हमको हाथ ही चलेगा। ऑलमोस्ट हमने 50% कवर कर लिया है, समय हो रहा है 3:36। मेरा घोड़ा भाई बिना ड्राइवर का है। कितना कितना करीब से चल रहा है यार ये? उत्तरी 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 भाई, पहली बात तो मेरा घोड़ा ऑटो पायलट मोड पे, दूसरी सीढ़ियाँ। भाई यार अब इसको कुन्ने से साइड कर लो भाई, एक तो अपने आप चल रहा है, मेरी फट रही है यार। भाई बादल देखो ऊपर, ये देखो कितनी स्टीप चढ़ाई है। ओ भाई ओ खाई ओ तेरी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ यार बहुत डर लग रहा है मेरे को तो इधर। इतनी ज्यादा बड़ी खाई, वो बिल्कुल कुन्ने पे चल रहा है ये। भाई यार इसको साइड कर ले यार थोड़ा, दोस्त गुस्सा नहीं करते। सोंटी सोंटी नाम है भाई इसका। भाई देखो ये वीडियो हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा इसमें, जितनी सारी चीजें हैं सब दिखाऊंगा आपको, भले ही दो पार्ट में दिखानी पड़े लेकिन दिखाऊंगा जरूर। काफी ऊपर आ गए हैं भाई, और ऊपर आ गए हम, और यहाँ पर चल रही है भाई बहुत ठंडी हवा। भाई नहीं पहुंच पाते इतनी जल्दी, थैंक्स टू दिस बॉय जिसके मम्मी पापा खो गए हैं। भाई कॉल भी कर रहा है उठा नहीं रहा उसके मम्मी पापा को। बता रहा हूँ दिल से, बता रहा हूँ इससे सुंदर मैंने जगह अभी तक नहीं देखी भाई। सबसे बेहतरीन ट्रैक है यार, बहुत बेहतरीन ट्रैक है भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, आप कितनी बार चढ़ जाते हो दिन में? तीन या चार बार। तीन बार चार बार? हाँ। थकते नहीं हो? थकते हैं भाई। थोड़ा और ऊपर आ गए हैं और यहाँ से तो भाई बादलों के पास पहुँच रहे हैं हम, मजा आ गया। ये जो आपको बीच में कटा हुआ दिख रहा है ना, ये जहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ये 2013 का वही सीन है कि यहाँ पर आपदा आई हुई थी और उससे ही ये कट गया पहाड़। और ये देखो भाई व्यू देखो आप तो, बस और कुछ मत देखो, जन्नत है जन्नत। और अब मैं पहुँच गया आसमान की ऊंचाइयों में, और अब है यहाँ पर बादल ही बादल। भाई यार मेरे को जैकेट पहन लो, मेरे फट रही है अब। हाँ ये देखो भाई बर्फ और ये पहाड़ और बादल, जन्नत भाई जन्नत। ठंड बढ़ रही है अब, पहन ले जैकेट पहन ले। लुक हो गया चेंज पूरा। हाँ भाई लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ, अब थोड़ा सही लग रहा है, बहुत ठंड लगने लग गई थी। पीछे बादल देख के आपको समझ नहीं आ रहा होगा कितनी हाइट पे आ गए हम लोग, और नाक में से पानी आ गया था मेरे। मजा आ रहा है यार, बहुत मस्त मौसम है, बहुत मस्त। हाँ तो भाई मैं बोल रहा था कि लास्ट ट्रिप मैंने मनाली की थी, तो मनाली भी अच्छा है, आप जा सकते हो एंजॉय कर सकते हो, लेकिन भाई मनाली से ज़्यादा अच्छा ही है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा यार, दिल से बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। ये देखो अभी धूप हो रही थी, मौसम बढ़िया हो रहा था, अब देखो बादल ही बादल हो रहे हैं, गई धूप भाई पूरी। हम लोग को ये बर्फ़ मिली हुई है, थोड़ा और आगे आगे हैं।
भाई लेकिन हमको बंदे नहीं मिल रहे, हमारे कहाँ हैं? अगर पहुंच भी सॉन्टी नागा भाई इसका, सॉन्टी भाई आराम से। आपको ट्रैकिंग के मजे लेने हैं तो आधी दूर तक पैदल आ जाओ, 10-12 किलोमीटर ट्रैकिंग, देन सॉन्टी भाई को पकड़ लो और मस्त ट्रैक करो भाई। अब जब तक मैंने कश्मीर नहीं देखा ना, तब तक मेरे लिए यही जन्नत है। इससे पहले मनाली थी, लेकिन अब मनाली के बाद भाई यही है जन्नत, केदारनाथ। और मेरे को मौका मिलेगा ना तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। अभी मैं मंदिर तक नहीं पहुँचा तब मेरी ये बात है, अब समझ लो आप, अंदाजा लगा लो भाई कितना मजा आ रहा भाई। सॉन्टी यो भाई जन्नत नजारे, कितने नीचे से आए हैं यार भाई, बहुत ज्यादा नीचे से आ रहे हैं हम लोग। और हमने भाई तो कह रहे थे, ये भाई कह रहे थे कि दो घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन सही रहा यार हमारा डिसीजन। भाई देखो, दिमाग लगा के आना, दिमाग लगा के ट्रैक करो, घोड़े का कोई स्कैम नहीं हुआ हमारे साथ। और बढ़िया, देखो यार कितने सारे घोड़े खड़े हैं इधर, और यहाँ तक घोड़े आ रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, जहाँ से स्टीप चढ़ाई है, मतलब जो मैंने आपको पुल दिखाया था ना, वहाँ से व्यूज़ अच्छे थे, वहाँ से निकलते थे आप घोड़ा ले लेना भाई, 1500 भी दोगे ना तब भी वर्थ इट है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे एक बंदा नहीं आया अभी तक यहाँ तक, एक बंदा भी, अभी 1.5 किलोमीटर और ट्रैक कर रहे हैं, तो ये तो हम कर लेंगे भाई, सीधी चढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आके दिल खुश हो गया भाई, पूरी थकान मिट गई, पूरी थकान, क्या थकान है ही नहीं अब, बस अब तो पहुँचना है भाई। मैं सच में बोल रहा हूँ कि अगर हम चढ़ के आते ना, तो ना तो हम इन्जॉय कर पाते थकान के चक्कर में, और ना ही ये व्यूज इन्जॉय कर पाते, ना ही कुछ भी नहीं हो पाता यार हमारा। जो लोग 5 बजे आ गए, 5 भी नहीं बजे, हाँ 5:22 रात के 8-9 तो बज जाते आराम से, क्योंकि 11:30 बजे चढ़े थे अपने, 3:30 पे घोड़ा लिया है, घोड़ा लेना एकदम वर्थ है, घोड़ा लेना वर्थ है भाई आधे रास्ते से, बढ़िया है। अब यहाँ से रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से ऐसा रास्ता है तो इस पे तो आप चल ही सकते हो। 5 minutes later सिर्फ मैं इनके साथ एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठा था, बस सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए यार, मस्त है यार, इनको यार बहुत मेहनत है यार, इन लोगों की रियल हीरोज हैं यार यहाँ के केदारनाथ के, ये सब लोग भी सब मेरे गाइस हैं, मजा आ गया यार, थैंक यू भैया, थैंक यू। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, नीचे से ऊपर
पैसेंजर को लेके आते हैं, मतलब यात्रियों को लेके आते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं भाई, दिल से रिस्पेक्ट है यार तुम लोगों के लिए यार। भाई मजा आ गया यार इसमें, लेकिन यार बर्थ है यार, ये लोग अगर पैसे ले रहे हैं, ये शायद 10,000 रुपए के करीब लेते हैं गौरीकुंड से ऊपर मंदिर तक जाने के, पालकी वाला भी इतने ही लेता शायद, तो बर्थ है, बर्थ है भाई, मजा आ गया मेरे को, बहुत मेहनत है इन लोगों की। बाकी वीडियो मैंने एक्सपीरियंस के लिए बस बनवा ली है, मजा आ गया। बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं क्योंकि बादल काले हो गए पूरे, ये देखो बादलों के बीच पहुंच गए हम। ऊपर के नज़ारे भाई बहुत मस्त है, और ये गवर्नमेंट टेंट्स हैं, आप इनमें आके रुक सकते हो अगर आप रुकना चाहो तो, अदरवाइज मैं कहूँगा कि नीचे से ही बुकिंग कर लो पहले अपने होटल की, ऊपर जो मंदिर के पास है तो आप नाइट स्टे कर सकते हो। अदरवाइज भाई मैं सच बता रहा हूँ, ट्रैवल कंपनी के थ्रू ही ट्रैवल करो अगर करना है यहाँ पर तो, क्योंकि उनके भाई सारा सेटलमेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं पर्सनली व्यू दे रहा हूँ ये स्पॉन्सरशिप से हटके, स्पॉन्सरशिप से हटके भाई ये मैं व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, और लोग भी अच्छे मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। बाकी भाई भी हैं, इनका भी फर्स्ट टाइम ही है, फर्स्ट टाइम है ट्रैवल कंपनी के थ्रू आते हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब कुछ भी यहाँ ढूंढने को, हाँ मतलब टेंशन फ्री रहते हो, पहले से बुक है, हाँ, और खाना खाना वगैरह भी ऐसा बेकार नहीं है कोई, बिल्कुल बढ़िया खाना है और मस्त चीज़ है भाई, करीब से करीब नहीं तो 5,000 से नीचे तो ऊपर केदारनाथ के पास रूम मिल ही नहीं रहा होगा, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, और अभी अभी केदारनाथ स्टार्ट हुआ है भाई। पैकेजेस में 13,000 से 14,000 में दो धाम मिल रहे हैं, हाँ दो धाम, और अगर आप मेरे वीडियो पे तो खैर डिस्काउंट है, अगर आप डिस्काउंट लेकर भी आते हैं ना तब भी आपका फ़ायदा ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि चौपटा तुंगनाथ और ऋषिकेश डिस्काउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वर्थ है हाँ बिल्कुल वर्थ है। और भाई विक्की भाई इतना मस्त बंदा है, विक्की भाई की गारंटी मैं लेता हूँ, कोई स्कैम नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कमी नहीं है उनके, भाई बढ़िया बंदा है, आ जाओ भाई बेफिक्र हो जाओ, मेरे भरोसे पे आ जाओ। 1.5 किलोमीटर और है अभी, लोग बता रहे थे पास में ही है, भाई बादल देखो यार कितने काले हो रखे हैं, अभी धूप हो रही थी, अभी मौसम चेंज हो गया बिल्कुल ही। भाई आरती में बचे हैं 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे पैसे भी करके मंदिर तक पहुंचते हैं, मज़ा आ जाता है भाई जब कोई टारगेट कंप्लीट होता है, बस भोलेनाथ की कृपा रही तो आरती ज़रूर देखने को मिलेगी, और आप सबको भी ज़रूर दिखाऊँगा। रास्ता देखो भाई, हम लोग बस पहुँच गए ऑलमोस्ट, मेरे जस्ट सामने राइट हैंड पर थोड़ी सी दूर पर केदारनाथ टेम्पल है यार, जो फील हो रहा है ना यार, कैसे रोमटे से खड़े हो रहे हैं पता है यार, फाइनली हम पहुंच गए, जो मेरा भाई सपना था एक तरीके से ये कि केदारनाथ जाना है। ये जो रास्ता बना है ना ये नया वाला रास्ता है, वो वहां से जो हेलीकॉप्टर जा रहा है ना वो वाला जो रास्ता है वो पुराना रास्ता था, ये आपदा के कारण वो रास्ता बंद हो गया और ये रास्ता नया बनाया गया है। आंखें तरस जाती हैं भाई इन नज़ारों को देखने के लिए, ये देखो यार भाई सच में जन्नत है भाई, यहाँ पर बोलते हैं ना स्वर्ग, मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई स्वर्ग है ये। देखो भाई पीछे बस पहुंचने वाले हम, हमारे बाकी बंदे और पता नहीं कहाँ हैं यार, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचा हूँ, 55 हो रहा है, मैं 5 मिनट के अंदर मंदिर पे होगा, पहुंच गया, जो खुशी हो रही है ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बस मैं पहुंच पाता, क्या कह रहे हो, मैं तो पहुंच ही नहीं पाता, मैं तो इनके चक्कर में आ गया, मैं सोचा था कि 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, पर घोड़े ले इन्होंने दिलवाए और अब मैं 6 बजे पहुँचा हूँ, वरना 11 बजे के पहले नहीं पहुँचता मैं, भाई नहीं पहुँच पाते हम लोग पैदल तो कतई ही नहीं। अब देखो भाई व्यूज, जिस व्यू के लिए भाई लोगों की आंखें तरसती रहती है, ओह माय गॉड,
बहुत खुशी हो रही है। That same evening. So, मेरे साथ यहाँ पर हैं केदारनाथ के पंडित जी धीरेन्द्र प्रसाद शर्मा और ये हमको अभी दर्शन कराने ले जा रहे हैं अंदर और अभिषेक भी कराएंगे। ये हमेशा जो है केदारनाथ के अभिषेक करवाते हैं सब लोग। तो अभी पाकिट ले जा जल्दी तो अभिषेक करने जा रहे हैं। One hour later. रात के बज रहे हैं 11:37 और जस्ट मैं अभी अभी मंदिर के अंदर से आया, जस्ट अभी अभी मैं अभिषेक करके आया हूँ अंदर से भाई, शिवलिंग को जस्ट टच करके आया हूँ। जो फील मैं कर रहा हूँ ना अभी भाई, क्या बताऊँ मैं आपको भाई, दुनिया यहाँ पर आ रही है दर्शन कर रही है और भीड़ में लाइन में लग लग के दर्शन कर रही है भाई। मैं अंदर गया और शिवलिंग का छू के आया भाई, अभिषेक करके आया मैं अंदर। अब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कुछ भाई थे गुजरात के, वो लोग अभिषेक करा रहे थे, उनने 5,100 रुपये की पर्ची कटाई हुई थी, तो उनके साथ मैं बात करके और चला गया भाई अंदर। एक्चुअल में जब मैं ब्लॉग कर रहा था ना तब वो भाई लोग मुझे मिले थे और मैंने जस्ट उनकी फ़ोटो क्लिक की थी। और देखो एक छोटा सा मैंने एक अच्छा काम किया, निस्वार्थ काम किया था, सिर्फ एक फ़ोटो खींची थी और फ़ोटो खींचने के बाद ये गिफ्ट मिला एक तरीके से केदारनाथ से भाई। ये हो गया भाई, केदारनाथ में आके आप शिवलिंग का अभिषेक कर लो ना, ये एक बहुत बड़ी बात है यार भाई, ये कभी नहीं भूलूंगा भाई जीवन में, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया इसको हल्के हल यहीं पर। ये नहीं भूल सकता भाई जीवन में, कभी मैंने आज तक जीवन में कभी अभिषेक नहीं किया और अभिषेक करने का मौका मिला तो वो भी केदारनाथ में, तृप्त हो गई भाई आत्मा मेरी। अभी लिटरली टेम्परेचर हो रहा है माइनस थ्री प्रेडिक्शन माइनस सिक्स क्या पिट्टू वाले, बस यही दो दिखे थे मेरे को। कहाँ है बाकी दोनों के, पक्का आ रहे हैं ना भाई के यार, पिट्टू पे बैग आ रहे हैं बैग नहीं आ पाया अभी तक। हाँ तो ब्लॉगिंग चल ही रहा है। हाँ कितना लाइव है अभी, क्या लाइव कितना लोग है? नहीं नहीं ये एडिट होके जाएगा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ पहुँचे हम लोग और भाई हमारा बंदा आ गया यार, आ जा भाई खींच के ले चलते हैं तेरे को, आ जा जल्दी आ भाई, जा भाई रुक जा भाई, लेकिन मानना पड़ेगा यार पैदल चल भाई, आंखों में आंसू आ जाएंगे यार भाई, यार अपना बंदा आ गया यार। चल भाई ढक्का दू ना यार ना। चलो लेके चलते हैं भाई, देखो जब बंदे आते हैं ना तो ऐसा फील होता है। बिल्कुल 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 भाई, तुमको पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ है ऐसा, घोड़े पे चढ़ा हैं, घोड़ा गिर गया, घोड़ा घोड़ा वेट से, तुम घोड़े से आ रहे थे? अरे जब 3-4 किलोमीटर बचे थे आखिरी, हाँ मैं बोला घोड़ा बनाओ मंगवाओ, तो 600-700 रुपये ले रहा था भाई, बैठा ले बैठा, घोड़े पे घोड़ा बैठ गया भाई, मजा आ गया, शायद थकान होता डर की भाई, यहाँ से मैंने स्पीड पकड़ ली, मंदिर दिख गया ना भाई, बस मैं सफल यार, अब मर भी जाऊँ ना कोई मलाल नहीं है मन में
भाई की यार 2 साल से इच्छा थी यहाँ पर आने की।